68वीं ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में हम पधारे आप तमाम मेहमानों अतिथियों एवं समस्त ग्रामीणों का, समस्त भामाशाओं का, समस्त निर्णायकों का, समस्त कार्यालय में जो काम करने वाले सभी कर्मचारी वर्ग, उन सबका मैं विद्यालय परिवार की ओर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विशेष करके गांव के इस समस्त नागरिकों का अभिनंदन करता हूं, इसलिए अभिनंदन करता हूं कि मेरी एक छोटी सी आह्वान पर आप सबने मिलकर आज के इस शानदार कार्यक्रम का आयोजन करवाया, इसलिए आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ के राम राम और नमस्कार करता हूं कि आप इन बच्चों का हौसला आजमाइश करने के लिए मेरे एक छोटे से आह्वान पर, एक बार ही पुकारने पर आप सभी खड़े हो गए, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान निदेशक महोदय प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा निर्देशों के क्रम में श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा सांचौर और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रानीवाड़ा द्वारा जारी आदेश की अनुपालना में आज 11 वर्षीय छात्र एवं छात्राओं की 68वीं ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन का सौभाग्य स्थानीय विद्यालय मादे पब्लिक स्कूल उस प्राथमिक गांव को प्राप्त हुआ। ये प्रतियोगिता दिनांक 6/9/2024 से 8/9/2024 तक कुल तीन दिन का संचालन होने वाले इस प्रतियोगिता के सफल संचालन हेतु सीबीओ कार्यालय रानीवाड़ा द्वारा श्री गिरधारी लाल जी शारीरिक शिक्षक के साथ 10 शारीरिक शिक्षक एवं 3 वरिष्ठ अध्यापक तथा 6 अध्यापकों को कार्य व्यवस्था नियुक्त किया गया। इसमें कुल 8 क्लस्टरों के कुल 230 बालक और 230 बालिकाएं भाग ले रही हैं, यानी टोटल अपने यहाँ टोटल प्रतिभागी 460 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इस खेलकूद प्रतियोगिता में रानीवाड़ा ब्लॉक के 8 क्लस्टर से 230 और 230 यानी 460 छात्र और छात्राएं भाग ले रहे हैं, जो कि कबड्डी, खो खो, जिम्नास्टिक और एथलेटिक्स खेलों में भाग लेंगे। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले समस्त छात्रों छात्राओं के द्वारा खेल भावना का परिचय दिया जाए एवं ग्राम पंचायत गांव के समस्त नागरिकों से भी मेरा निवेदन रहेगा कि वे इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले समस्त छात्रों छात्राओं का हौसला बढ़ाते हुए खेल भावना का परिचय देंगे। उसके उपरांत में सभी निर्णायकों से मेरा निवेदन रहेगा कि आप, ये सभी बच्चे अपने ही हैं, किसी दूसरी स्कूल के नहीं है, अपने खुद के बच्चे हैं, और खेल प्रभारियों से भी निवेदन रहेगा कि आप भी इन बच्चों को अनुशासन में संभाल के रखें, ये अपने खुद के बच्चे हैं। देखिए साहब, इस संसार में किसी के ऊपर कोई भरोसा नहीं करता है, लेकिन शिक्षक एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके ऊपर पूरी दुनिया भरोसा करती है। अपने बालक को अगर अपन घर से एक घंटा भी दूर रखते हैं तो पीछे खोजने जाते हैं कि मेरा बच्चा कहाँ गया। तो मेरा सबसे निवेदन रहेगा कि जो शिक्षक वर्ग पर जो भरोसा शब्द है उसको कायम रखने के लिए आप सभी अपनी भूमिका निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।